हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कर रखा था लैंग्वेजेस लीनियर इक्वेशंस, हम सॉल्यूशन कर रहे थे लैंग्वेजेस इक्वेशंस का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सॉल्व जेड इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लैंग्वेजेस लीनियर फॉर्म में लेके आते हैं। तो लैंग्वेज लीनियर क्वेश्चन हमारे पास होती है पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर। दिस इज द लैंग्वेजेस लीनियर इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जेड इंटू पी माइनस जेड इंटू क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद लैंग्वेजेस इक्वेशन, देन कैपिटल पी इज इक्वल टू जेड, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस जेड क्यू का मल्टीपल, एंड आर इक्वल टू जो राइट साइड पे आपके पास गिवन है जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देन सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस डी एक्स बाय पी, डी वाई बाय क्यू एंड डी जेड बाय आर। डी एक्स पी की वैल्यू, डी एक्स बाय जेड इक्वल टू डी वाई बाय माइनस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। वी टेक फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस dx by z equal to dy by z, हम इनसे सॉल्यूशन निकालते हैं। z से z कैंसिल, implies that dx equal to minus dy, integrate both side, integrated, then integrate करेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं integration of dx equal to minus integration of dy plus any constant। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारे किसकी वैल्यू होती है, यू की वैल्यू। अब जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वेशन, अच्छा इसको फर्स्ट ले लीजिए, ये सेकेंड आ जाएगी यहाँ से। दो फ्रैक्शन को लेके हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास यू सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं ये आ जाएगा, ठीक है। अब दो फ्रैक्शन और आपको लेके सॉल्व करना है। हम कर रहे थे सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या होता है, हम पहले वाले सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब यूज़ कैसे करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे तो x और y यहाँ से a में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कॉन्स्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं हम टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट और लास्ट लेते हो तो फर्स्ट इज अ डी एक्स बाय जेड इक्वल टू लास्ट इज अ डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस वाई की ए। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। नाउ वेरिएबल सेपरेट करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू डी जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया हमने, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, दिस इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पुट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी, देन टू जेड dz is equal to dt, हमें z dz की वैल्यू चाहिए, z dz is equal to dt by 2, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 by 2 dt upon t plus b चल रहा है। Now x is equal to 1 by 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log of t, और t की वैल्यू वापस रख देते हैं हम, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
डी की वैल्यू वापस से पुट कर दी हमने, और ये जो बी कांस्टेंट लिया हमने क्योंकि ये लॉगरिथम में है इसलिए इसको भी हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉग ऑफ सी ले लेते हैं इसको, जो बी कांस्टेंट है यहाँ पे, या तो आप स्टार्टिंग से ही लॉग ऑफ बी ले लीजिए या हम बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लॉगरिथम में ले लेते हैं क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो लॉगरिथम में आएगा, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हाफ पावर को आप अप्लाई कर दीजिए तो लॉग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर हाफ इंटू लॉग ए प्लस, अच्छा इसको लिख लेते लॉग ऑफ बी, अब ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम लॉगरिथम को कैंसिल करेंगे, देन टेकिंग ई बेस बोथ साइड, ई से लॉगरिथम कैंसिल, देन हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या रखनी है जो हमने यहाँ से यूज़ की थी एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसको एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगी बी की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन थर्ड, और ये किसकी वैल्यू हम लेके चलते हैं स्मॉल बी। तो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दिस इज, या तो आप लिखिए यू इक्वल टू एफ ऑफ बी या फिर एफ ऑफ यू बी इक्वल टू ज़ीरो, देन अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू यू लेके चलते हैं, ये सॉल्यूशन हमारा यू आ जाएगा, सॉरी वी इक्वल टू एफ ऑफ यू लिखते हैं, तो इसको ले वी हमारे पास दिस इज, तो ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ यू, यू इज अ एक्स प्लस वाई, दिस इज योर सॉल्यूशन। देखो थर्ड टाइप देखिए, डी एक्स बाय पी डी वाई बाय क्यू एंड डी जेड बाय आर, दीज आर द सब्सिडियरी क्वेश्चंस, यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लायर्स, मींस इसको मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, पी वन डी एक्स, इसको मींस मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है पी वन एनी कॉन्स्टेंट से, इसको कर दिया मैंने क्यू वन, और इसको कर लेते हैं आर वन से, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्स्टेंट इन दोनों तीनों को, और हम सबको ऐड कर लेते हैं पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड डिवाइड बाय पी वन इंटू पी प्लस क्यू वन इंटू क्यू प्लस आर वन इंटू आर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर्स लेके मल्टी इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड इस तरीके मल्टीप्लायर इस तरीके से लेते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे वेयर पी वन इंटू पी प्लस क्यू वन इंटू क्यू प्लस आर वन इंटू आर बिकम्स ज़ीरो, यानी मल्टीप्लायर हमें ऐसे लेने हैं कि डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए, अगर किसी भी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है यहाँ पे एनी नंबर कोई भी नंबर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है इन्फिनिटी, मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन वी टेक दिस वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके न्यूमरेटर को ज़ीरो लेना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमें इसका फाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है तो और हम इस तरह से ले रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाता है देन इट्स न्यूमरेटर बिकम्स ज़ीरो, ओके फॉर फाइनाइट सॉल्यूशन, तो हम यहाँ से एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यानी इंटीग्रेट करके हम यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व दिस इक्वेशन, अब यहाँ पे देखेंगे स्मॉल पी स्मॉल क्यू एंड इक्वल टू दिस क्वांटिटी विच इज आर, तो यह कंपेयर करेंगे हम विद लैंग्रेजेस लीनियर इक्वेशन से, तो स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पी का मल्टीपल एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड आर जो राइट साइड पे हमारी क्वांटिटी होती है विच इज़ कैपिटल आर,
सब्सिडियरी इक्वेशंस डायरेक्ट लिख रही हूँ, डी एक्स बाई पी होता है एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है। अगर मैं दो दो फ्रैक्शन लेके करती हूँ तो यहाँ पे देखिए वाई एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हर स्टेप में आ रहे हैं, हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, देन हम मल्टीप्लायर्स का यूज़ करते हैं। अब यही हम टाइप अप्लाई करते हैं टाइप थर्ड, तो कैसे करना पड़ेगा देखिए यहाँ पे टाइप थर्ड में हमें जो डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से मल्टीप्लायर ले रहे हैं कि मैं इन सब को ऐड करूं और ये हमारा ज़ीरो बन जाए। अगर मैं यहाँ से x को कैंसिल कर लेती हूँ, यहाँ से y को एंड यहाँ से z को, देन और सबको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर का यहाँ पे और यहाँ पे साइन सेम हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मुझे ये x हटाना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1 बाई एक्स से, अगर मुझे यहाँ से y हटाना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1 बाय वाई से, ओके और इसको 1 बाय जेड से। जैसे हम डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से ले लेते हैं चूज मल्टीप्लायर्स या टेकिंग ले लो, टेकिंग मल्टीप्लायर्स, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 बाय एक्स एंड इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 बाय वाई, बिकॉज मुझे यहाँ से माइनस हटाना है, माइनस को रिमूव करेंगे बिकॉज जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों यहाँ से सेम साइन के आ जाएंगे तो कैंसिल नहीं होंगे, ओके एंड नेक्स्ट मल्टीप्लायर इज अ 1 बाय जेड, देन वी गेट डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू डी जेड अपॉन प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि जो हम मल्टीप्लायर ले रहे थे वो इसके ही इक्वल वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि सबको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करेंगे, फर्स्ट इज अ 1 बाय एक्स डी एक्स, इसको मैंने 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में हम सारे न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं, 1 बाय वाई डी वाई, यहाँ पे माइनस लिया है हमने माइनस 1 बाय वाई वाई और यहाँ पे 1 बाय जेड डी जेड। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर क्या आएगा, जैसे यहाँ से 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से मैंने माइनस 1 बाय लिया है सेकंड का मल्टीप्लायर, तो वाई माइनस से माइनस कैंसिल और वाई से वाई, देन यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करिए, अगर मैं यहाँ से प्लस का 1 बाय जेड ले रही हूँ, ध्यान से देखना है, प्लस का 1 बाय जेड ले रही हूँ तो यहाँ से जेड कैंसिल हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारा डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बनेगा बिकॉज दीज आर टू प्लस क्वांटिटीज़, पॉजिटिव क्वांटिटीज़। तो हमें ये नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर थर्ड का माइनस 1 बाय जेड लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एंड यहाँ से जेड कैंसिल हो जाएगा, हमने 1 बाय जेड से मल्टीप्लाई किया ना, और माइनस से दोनों नेगेटिव आ जाएंगे माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे तो कंप्लीट जो आपके पास है कैंसिल आउट, ओके देन ये जो कंप्लीट डेनोमिनेटर है हमारा जीरो आ गया, इम्प्लाइज दैट अगर डेनोमिनेटर जीरो आता है दैट मीन दिस इज इनफाइनाइट क्वांटिटी, फॉर फाइनाइट वी टेक 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई माइनस 1 बाय जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो, हमें इसको न्यूमरेटर को ज़ीरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा। तो किसी न भी किसी टाइप से हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जेड इक्वल टू लॉग ऑफ ए ले लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, देन लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड इक्वल टू लॉग ऑफ ए, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ एक्स, देन दिस बिकम्स लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए एंड लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाय बी होता है, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स बाय वाई जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए
लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल, देन ए सॉल्यूशन ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन वाई जेड। तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, यानी हमारे पास यू की वैल्यू आ गई। सेम टू सेम हमें वी की चाहिए, वी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से मल्टीप्लायर्स देखने पड़ेंगे। तो ऐसे भी मल्टीप्लायर एक और भी हो सकता है कि यहाँ से फिर से हमारा डिनोमिनेटर जीरो आ जाए। कैसे, इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, इसको भी एक्स से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे वाई से कर देंगे तो सारी क्वांटिटी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप से हम मल्टीप्लायर कैसे ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में फर्स्ट फ्रैक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, टेकिंग मल्टीप्लायर्स एक्स। अब यहाँ से साइन भी चेक करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ से माइनस का आ जाएगा और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आपको सिर्फ एक्स वाई वाई इंटू एंड जेड ये मल्टीप्लायर ले लेते हैं, देन वी गेट, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ये जो मल्टीप्लायर्स लिख के हम जो ऐड करते हैं वो इनके इक्वल क्वांटिटी ही आती है। देन फर्स्ट को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को वाई से, प्लस थर्ड को जेड से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय, दिस इज द एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई ओपन कर रही हूँ डायरेक्ट ही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके, दिस इज माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिकॉज बाहर माइनस है दोनों जो आपके पास से नेगेटिव हो जाएंगे। एंड यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर, जेड से मल्टीप्लाई किया हमने तो जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज कैंसल आउट बाय दिस, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इट बिकम्स ऑल्सो जीरो, इम्प्लाइज दैट एक्स डी एक्स, न्यूमरेटर को हम जीरो लेके चलेंगे, वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। देन यहाँ से सेकेंड सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू, इंटीग्रेट कर दिया हमने सबको और इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू बी, ओके, दिस इज द, इसको हम लिख सकते हैं एनी कॉन्स्टेंट सी, दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन, इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो तो मैंने रफ कर दिया। क्या आया था हमारे पास सॉल्यूशन, ये a इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई जेड, शायद ये सॉल्यूशन था फर्स्ट कॉन्स्टेंट जो हमने फर्स्ट मल्टीप्लायर से निकाला था। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, दिस इज अ यू एंड इज अ वी ले लेते हैं, देन एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई जेड एंड वी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड फॉर्म क्या होती है सॉल्यूशन की, v इक्वल टू एफ ऑफ यू, इस फॉर्म में भी सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस टू एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल टू टू एक्स जेड, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे विद द लैग्रेंजेस इक्वेशन, p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर, देन वी गेट कैपिटल p इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, q is 2x y z, sorry 2x y and r is 2x z. Then substitute equations are x square minus y square minus z square equal to dy upon 2x y equal to dz upon 2x z. Taking for last two multipliers, क्योंकि हम इनसे इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 2y एन टू एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वाई के पास वाई एंड डी जेड के लिए जेड वेरिएबल रह जाएगा, ठीक है। टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस डी वाई टू एक्स वाई टू एक्स से, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, देन इंटीग्रेट दैट, log of y लिख देते हैं हम, इंटीग्रेटिंग log of y इक्वल टू log of z प्लस log of a,
log of y is equal to log of z into a, एंड लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल, ई बी एस ले लेंगे, वाई इक्वल टू जेड इन टू ए एंड ए इज इक्वल टू वाई बाय जेड. दिस इज द सोल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ये हो जाएगी. दिस इज सेकेंड. अब हमें एक सोल्यूशन मिल गया है. सेकेंड सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे क्या ट्राई कर सकते हैं, देखिए अगर हम किसी दो फ्रैक्शन को लेते हैं तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते और ना ही ऐसे कोई मल्टीप्लायर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को जीरो बना सकें. ठीक है, अब देखिए हमें सॉल्व कैसे करना है. टेकिंग मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड, यहीं पे लिख रही हूँ डायरेक्टली. दिस इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों हमारे पास फ्रैक्शन हैं और मल्टीप्लायर लेते हैं वो भी इनके इक्वली स्टेप आता है. देन एक्स इंटू न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, एक्स इंटू डी एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड डिवाइड बाय, सेम टू सेम हम डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने सबसे पहले वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया एक्स से, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. सेकेंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया वाई से तो टू एक्स वाई स्क्वायर एंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया जेड से. ठीक है, तो ये आ जाएगा. अब इसका हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको जीरो नहीं ले सकते. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि तीन फ्रैक्शन तो पहले से ही है जो सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, फोर्थ फ्रैक्शन और हमने बना लिया, तो हम यहाँ से दो फ्रैक्शन उठा के इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको हम लिखेंगे, अब यहाँ से ले लेते हैं हम टेकिंग टू फ्रैक्शंस, क्योंकि x देखिए सब में कॉमन आ रहा है, x एंड x, तो इसको लिखेंगे हम x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइड बाय, x कॉमन आ रहा है सब में से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर. नाउ टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, दिस एंड दिस फ्रैक्शन. ठीक है, अब हमारे पास चार फ्रैक्शन हो गए तो लास्ट के दो उठा लेते हैं हम, टू एक्स जेड. ये हमने क्यों लिया, बिकॉज एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और जेड के पास हमारा जेड वेरिएबल रह जाएगा, तो इसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं. नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी जेड बाय जेड और ये जो टू है ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू इंटू एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइड बाय, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ये तो हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, देन टू एक्स डी एक्स टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी. नाउ टू कॉमन निकाल लीजिए, टू इंटू एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी, तो यही हमारे पास न्यूमरेटर में है, तो इस कंप्लीट की वैल्यू आ जाएगी डी टी. इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ से बता रही हूँ मैं आपको, ये बन जाएगा आपके पास डी टी अपॉन, और इसको हमने कंप्लीट को टी लिया है, टी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टी और टी की वापस वैल्यू रखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ से लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और वैसे भी अगर हम देखें तो डेनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाता है तो वो लॉगरिथम में ही इंटीग्रेशन जाता है. ठीक है, प्लस क्योंकि सारे के सारे लॉगरिथम में है इसलिए लॉग ऑफ बी हम कांस्टेंट ले लेते हैं, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू बी, लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल रखेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज योर सेकेंड सोल्यूशन, दिस वैल्यू इज अ यू एंड दिस वैल्यू इज टेकिंग एज अ वी. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, अगर हम थर्ड टाइप यूज नहीं कर सकते, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ लैंग्वेजेस लीनियर इक्वेशन. तो सोल्यूशन बना सकते हैं आप यहाँ से, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, देन एफ ऑफ यू इज अ वाई बाय जेड एंड वी इज अ सेकेंड सोल्यूशन जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो.
एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. इसको आपको सॉल्व करना है. दिस इज ऑल्सो लैंग्रेज लीनियर इक्वेशन स्मॉल पी स्मॉल क्यू इक्वल टू जो क्वांटिटी आ रही है एक्स वाई जेड का फंक्शन. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे पी डायरेक्ट मैं इक्वेशन बना रही हूँ. सबसे पहले इक्वेशन बनेगी डी एक्स बाई पी होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड. डी वाई बाई क्यू होता है क्यू इज अ वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स एंड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. दीज आर द सब्सिडियरी इक्वेशंस. नाउ वी सॉल्व टेकिंग टू फ्रैक्शंस. अब देखिए इस ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इनका थोड़ा सा पर्टिकुलर मेथड आप मान सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक टू पावर है और वाई और जेड लीनियर है. तो यहाँ से आपको करना है डिफरेंस कर लीजिए सबका. इसको हम लिख सकते हैं दिस माइनस दिस डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन ये भी इन्हीं की इक्वल क्वांटिटी देगा हमें. तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और ये माइनस वाई स्क्वायर बिकॉज हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस डी वाई माइनस डी जेड डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड डी जेड माइनस डी एक्स. साइक्लिक डिवीजन करेंगे सॉरी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड. इसको सॉल्व कीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है जेड कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ सॉल्व करके एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है इन दोनों पे. और यहाँ से क्योंकि मुझे एक्स माइनस वाई कॉमन निकालना है देन मैं लूँगी यहाँ से प्लस जेड कॉमन तो एक्स माइनस वाई रह जाएगा. माइनस वाई कॉमन लेंगे देन यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है तो डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. देन दिस इज डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. सेम टू सेम हम इसको सॉल्व करेंगे. इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे दोनों में से आप कॉमन निकालोगे यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा वाई माइनस जेड. वाई माइनस जेड कॉमन ले लोगे फिर डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड एंड रिमेनिंग फैक्टर इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज डी जेड माइनस डी एक्स डिवाइड बाई जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड. नाउ दिस इक्वेशन कन्वर्ट टू इन दिस फ्रैक्शंस. अब हम इनको दो दो फ्रैक्शंस को लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस पहले हम दो फ्रैक्शन उठाएंगे यहाँ से देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा. ठीक है डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई एंड दिस इज डी वाई माइनस डी जेड यहाँ से आ जाएगा वाई माइनस जेड. वैन वी टेक लास्ट टू फ्रैक्शंस साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ. अगर लास्ट टू फ्रैक्शन उठाते हैं तो एक्स प्लस वाई हमारा इससे भी कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको इसके साथ लेके चलेंगे. देन यहाँ से रह जाएगा डी वाई माइनस डी जेड डिवाइड बाई वाई माइनस जेड या फिर इसको पहले ही आप कैंसिल कर सकते हो. एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों में सेम फैक्टर है तो इसको पहले ही रिमूव कर दीजिए. ठीक है तो यहाँ से डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड एंड डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट करते हैं प्लस लॉग ऑफ ए. लॉग ऑफ ए क्यों लिया हमने क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम में आएगा. लॉगरिथम में कैसे दिख रहे हैं डायरेक्टली दिख रहा है आपको. अगर आप इसको टी लेते हो तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आता है मीन्स इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई माइनस जेड प्लस लॉग ऑफ ए एंड सेकेंड सोल्यूशन इज लॉग ऑफ वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ बी. लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी. फॉर्मूला अप्लाई करोगे लॉग ऑफ ए बाई बी दैट मीन्स लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस जेड ओके इक्वल टू लॉग ऑफ ए. लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल ए इज इक्वल टू दिस. दिस इज अ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड सेकंड हम सेम टू सेम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे वाई माइनस जेड. इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे माइनस हो जाएगा देन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बाय लॉगरिथम प्रॉपर्टी लॉग ऑफ बी. दिस इज ऑल्सो कैंसिल
सेकेंड सोल्यूशन, दिस इज अ यू, इसको हम यू लेते हैं एंड दिस इज टेक एज अ वी. देन आवर सोल्यूशन इज एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ यू इज एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड एंड वी इज अ वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, तो आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें अलग अलग टाइप के, वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ और एक लेक्चर और ले लेते हैं इसका, ताकि सारे जितने भी इसके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवा सकूँ. तो आप इनको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.